दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम को अगर कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस पसंद आ जाती थी तो दाऊद उस एक्ट्रेस को पाने के लिए तड़प जाता था, और फिर चाहे वो दुबई में हो या फिर सात समंदर पार, दाऊद कैसे भी करके उस एक्ट्रेस को अपने ठिकाने पर बुला ही लेता था। और जो एक्ट्रेस ऐसा करने से मना कर देती थी तो दाऊद ऐसे में उन एक्ट्रेस का करियर खराब भी कर दिया करता था। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ माधुरी दीक्षित के साथ भी हो चुका है। दोस्तों ये बात उस समय की है जब श्रीदेवी का करियर धीरे धीरे खत्म हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ माधुरी दीक्षित बुलंदियों की सीढ़ियां चढ़ रही थी, और ये 1990 की धक धक गर्ल के नाम से जानी जाने लगी थी। बच्चों से लेकर बूढ़ा हर कोई माधुरी दीक्षित का फैन बन चुका था। माधुरी ने रामलखन, तेजाब जैसी फिल्मों से बॉलीवुड में आग लगा दी थी। इसी के चलते दाऊद इब्राहिम की पूरी नजर माधुरी पर पड़ जाती है, और वो उसे फोन करके दुबई में अपने अड्डे पर एक रात के लिए आने को कहता है। लेकिन उस समय अपनी सफलता के नशे में माधुरी उसे मना कर देती है। इससे दाऊद गुस्से में आ जाता है क्योंकि एक नई नवेली एक्ट्रेस ने उसे मना कर दिया था, और उस समय दाऊद 1990 का एक बहुत बड़ा जाना माना नाम बन चुका था। वो ड्रग्स का बहुत बड़ा व्यापारी था, इसीलिए उसने अपने ड्रग्स के व्यापार को बढ़ाने के लिए बॉलीवुड का सहारा लिया। और दाऊद का बॉलीवुड में इतना खौफ फैल चुका था कि कोई भी उसे ना नहीं बोल पा रहा था। इसके अलावा अगर कोई भी दाऊद को मना करने की कोशिश करता तो ऐसे में दाऊद या तो उसका करियर खत्म कर देता या उसे जान से मरवा भी देता था। लेकिन उस वक्त माधुरी दाऊद के बारे में ये नहीं जानती थी कि सारा बॉलीवुड दाऊद के इशारों पर चला करता था, और माधुरी को ये पता नहीं था कि उसने दाऊद को मना करके कितनी बड़ी गलती कर दी है। इसलिए थोड़े ही दिनों में माधुरी को अपने करियर की नैयां डूबती हुई नजर आने लगी, क्योंकि माधुरी के मना करने पर दाऊद के एक फोन ने बड़े बड़े फिल्म मेकर को माधुरी की फिल्म में लेने से मना कर दिया था। इसके साथ ही जिन फिल्मों को माधुरी साइन कर चुकी थी उन फिल्मों में से भी माधुरी को निकाला जाने लगा था, क्योंकि कोई भी फिल्म मेकर दाऊद को मना करने का अंजाम जानता था। इसलिए अब कोई भी माधुरी के साथ फिल्म नहीं करना चाहता था, और अचानक से अपना करियर खत्म होता देखकर माधुरी दुखी रहने लगी। लेकिन जब इसके पीछे का कारण माधुरी को पता चला तो माधुरी ने खुद दाऊद को फोन करके उसकी हर बात मानने के लिए हाँ कर दी। इसीलिए उसे अपने करियर को बचाने के लिए मजबूरी में दाऊद के यहाँ रखी एक बर्थडे पार्टी में उसे जाना पड़ा, और खबरों की माने तो माधुरी दीक्षित ने दुबई जाकर दाऊद की बर्थडे पार्टी में ठुमके हुए लगाए। और इसके साथ ही कहा गया कि दाऊद की बर्थडे पार्टी में माधुरी ने 1-2-3 गाने के समेत रामलखन के गानों पर भी परफॉर्म किया था, और पार्टी खत्म हो जाने के बाद दाऊद के साथ रात भी बिताई थी। उस वक्त कैमरा वाले मोबाइल और सोशल मीडिया का दौर नहीं था, और ना ही कोई उसकी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल सकता था। हालांकि उस समय पुलिस वालों का कहना था कि बॉलीवुड के सभी सितारे अंडरवर्ल्ड के दरबार में हाजिरी लगाया करते थे, और बॉलीवुड में भी सभी जानते हैं कि माधुरी ने डॉन दाऊद के साथ रिश्ता बनाया था। और माधुरी के दुबई से वापस आते ही उसका करियर फिर से लाइन पर आ गया था, और उसे दोबारा से फिल्म मिलने लगी थी। लेकिन कहा जाता है कि दाऊद माधुरी पर इतना फिदा हो गया था कि वो उसे बार बार दुबई बुलाया करता था, और जिसकी वजह से कुछ सालों के बाद माधुरी ने बॉलीवुड को छोड़ने का फैसला कर लिया था। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर नेने से शादी करके बॉलीवुड को पूरी तरह से अलविदा कह दिया था। अब ऐसे में किसी भी बॉलीवुड एक्ट्रेस का दाऊद के साथ कनेक्शन कोई नई बात नहीं है, क्योंकि दाऊद के नाम का इतना बोलबाला था कि हर एक एक्ट्रेस को दाऊद की पार्टी में जाना ही पड़ता था, क्योंकि बॉलीवुड की फिल्मों में ज्यादातर दाऊद का ही पैसा लगता था, और दाऊद अपनी ब्लैक मनी को फिल्मों के जरिए ही व्हाइट मनी में बदलता था। दाऊद हर हीरोइन के साथ इतना पागल होता था कि वो उसके पीछे पैसे उड़ाने के लिए तैयार रहता था। इसी वजह से कई बॉलीवुड की एक्ट्रेस इस अंडरवर्ल्ड डॉन के प्यार में पागल तक हो जाती थी। लेकिन माधुरी उन हीरोइन में से तो नहीं थी, लेकिन उस समय की राम तेरी गंगा मैली की मंदाकिनी, अभिनेत्री मोनिका बेदी और ममता कुलकर्णी, ये सब उन्हीं एक्ट्रेस में से एक थी जो दाऊद के प्यार में पागल हो गई थी, और दाऊद ने इन सभी एक्ट्रेस के साथ कई रातें बिताई थी। दोस्तों कहा जाता है कि आज भी दाऊद दुबई से ही पूरे बॉलीवुड को कंट्रोल करता है, और उसके द्वारा गैर कानूनी तरीके से कमाया गया पैसा अब भी बॉलीवुड फिल्मों में लगाया जा रहा है। और दोस्तों बॉलीवुड ही एक ऐसा ठिकाना है जहां पर लोग अपना करियर बनाने के लिए आते हैं, इसलिए कोई भी नहीं चाहता कि वो पुलिस के मामलों में फंसे या फिर कोई ऐसी वजह जिसकी वजह से उनका करियर बर्बाद हो जाए। इसी वजह से आखिरकार उन्हें दाऊद की हर बात माननी ही पड़ती है। इसलिए माधुरी दीक्षित ने दाऊद के साथ रात बिताने के बाद कई सुपर डुपर फिल्में दी थी। तो दोस्तों आप बताइए कि आपको माधुरी के इस राज के बारे में जानकर कैसा लगा। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।